देखो आज के समय इंडिया की ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ हो रही है। जहां चाइना आर्थिक संकट में आ गया है और अमेरिका को रिसेशन में जाने का डर है, वहीं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। भारत की ऐसी ग्रोथ देख दुनिया भर हैरान है। दुनिया भर की मीडिया ये डिस्कस कर रही है कि अब भारत 2045 तक एक सुपर पावर बन जाएगा। और यही बात अभी कल भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में कही है कि भारत 2045 तक दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। ये बात सुनकर कई देशों की मीडिया शॉक्ड है, खासकर सिंगापुर की मीडिया। सिंगापुर पिछले साल ही यूपीआई की इतने बढ़ते ताकत को देखकर यूपीआई अपने देश में लॉन्च किया है, इसीलिए सिंगापुर की मीडिया इंडिया को लेकर काफी बातें कर रही है। ये लोग एक अलग शो करके इंडिया कैसे सुपर पावर बन रहा है और यूपीआई कैसे वर्ल्ड में डोमिनेंस कर रही है, ये सब बातें कर रहे हैं। ये लोग इंडिया और इसरो के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहे, हम आपको सिंगापुर मीडिया का ये मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि अब टेस्ला एप्पल जैसी कंपनी चाइना छोड़कर भारत जब आ रही है तो चाइना की मीडिया इससे चिढ़कर इंडिया के बारे में क्या क्या कह रही है, ये सब देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो भारत जैसी अभी ग्रोथ दिखा रहा है ना, उसे देखकर सभी हैरान है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर इंडिया में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइना जिसे मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता था, अब वहीं कई सारी चाइनीज कंपनी जो पहले चाइना में अपना प्लांट लगाई थी वो अब इंडिया आ रही है। चाहे वो फॉक्सकॉन, टेस्ला, एप्पल और सैमसंग हो, इन सब चीजों की वजह से आने वाले समय में इंडिया चाइना को टक्कर देगा। इसी चीज को देखकर चाइना के लोग और वहाँ की मीडिया इंडिया से काफी चिढ़ी है। यहाँ तक कि चाइनीज मीडिया इसके बारे में काफी बातें कर रही है और इंडिया पे ये आरोप लगा रही है कि चाइनीज कंपनी को इंडिया में अच्छे से ऑपरेट नहीं करने दिया जाता। चाइनीज मीडिया इंडिया के बारे में ये कह रही है कि चाइना को अब इंडिया हर तरह से ब्लॉक कर रहा है और ये जलकर ये कह रहे हैं कि इसी तरह रहा तो इंडिया में और कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। पहले जरा आप इनका ये छोटा सा मजेदार वीडियो देख लीजिए, जिसको हम लोगों ने चाइनीज लैंग्वेज से हिंदी में कर दिया है ताकि सबको समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सिंगापुर की मीडिया इंडिया को सुपर पावर बनता देख क्या क्या डिस्कस कर रही है। मैं भारत से शुरुआत करता हूँ। भारत सदैव इस प्रकार का कार्य करता रहता है, अर्थात ये केवल उन विदेशी निवेशकों से निपटता है जो भारत में निवेश करते हैं, और ये विदेशी निवेशक वास्तव में भारत में बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, और यदि वे भारत में जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार द्वारा धमकाया जाएगा। भारत को वास्तव में कोई परवाह नहीं है। भारत देश अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा, और यही अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा विरोध है। वे आपको हर चीज पर टैरिफ देना चाहते हैं, जैसे वे आयात कर को 100% से 150% कर देते हैं। वे ऐसे हैं जैसे यदि आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो या तो आपको टैरिफ का भुगतान करना होगा या आपको अपना कारखाना मेरे देश में लाना होगा। काफी समय से यही स्थिति है, तो आप देख सकते हैं कि चीनी मुख्य भूमिका विदेशी निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सभी निवेशों को देखें तो वे ये भी चाहते हैं कि आप सीईओ के रूप में आएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब आपका स्वागत करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई विचार ही नहीं है। वे ऐसे हैं जैसे आप भारत आए हो, है ना? तो आप खुश हैं और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, केवल ज़ेरोमी को इस तरह से धमकाया नहीं जा रहा है। ज़ेरोमी को अभी तक भारत में पर्यावरण के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा भारत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे समाज की मानसिकता को सहन करना होगा। आपको संस्कृति, नौकरशाही व्यवस्था और पूरी व्यवस्था को सहन करना होगा। वे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे, इसलिए ज़ेरोमी बहुत मूर्ख और भोला है। मैं भारत में विकास के बारे में कुछ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक बात जो मुझे दिलचस्प लगती है वह यह है कि भारत को पिछले महीने दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश घोषित किया गया था। इसका एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे मैं कभी नहीं समझ सका। ऐसा चीन विरोधी माहौल के दौरान हुआ, इसलिए वे सभी को भारत और वियतनाम में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरा, अगर भारतीय आपको फायदा उठाने देते हैं तो आपको फायदा नहीं उठाने दिया जाता है। देखो चाइनीज मीडिया कैसे ये कह रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना यानी पैसा वेस्ट करना है। ये लोग ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की तरक्की देख ये काफी चिढ़ते हैं, और एक कारण ये भी है कि ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर अब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब तो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में भी काफी आगे आ चुका है, लेकिन फिर भी ये चाइनीज मीडिया इंडिया के बारे में कुछ न कुछ तो निगेटिव बताती
बढ़ती ही रहेगी। देखो चाइना को ये बात पता है कि आने वाला 30-35 साल भारत का है, अब दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो भारत करेगा, इसीलिए चाइनीज कंपनी भी इंडिया आना चाहती है, लेकिन भारत सरकार इनको सभी तरीके से ब्लॉक कर दिया, इसीलिए ये इतना चिढ़ रहे हैं। जहां चाइनीज मीडिया इंडिया की तरक्की देख काफी चिढ़े रही है, वहीं दुनिया भर की मीडिया इंडिया की ऐसी ग्रोथ देखकर काफी हैरान है, और सिंगापुर की मीडिया ये देख काफी खुश भी है। सिंगापुर की मीडिया शो करके ये डिस्कस कर रही है कि भारत एक गरीब देश था लेकिन अब सुपर पावर बनने जा रहा है। सबसे पहले जरा आप इनका ये छोटा सा मजेदार वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इंडिया कब तक और कैसे सुपर पावर बनेगा। Mr. Modi spoke in his last Independence Day address before India heads to the polls next year. Making his pitch for re-election and reminding the country of his achievements after nearly a decade in power. This was Mr. Modi's 10th consecutive Independence Day address to the nation and significantly one before the country goes to elections in 2024. He said that if re-elected, he will ensure that the country becomes the third biggest economy in the world and a developed country by 2047, which incidentally is the year when India will mark 100 years as an independent country. He put a spotlight on his government's achievements over the last 9 years and said that under his prime ministership, the country has assumed a more confident position in the new global order. Throwing forward to the G20 summit that India is hosting in September, he said that it's a matter of pride for all Indians that India is taking a center stage on global platforms. In a veiled reference to the Ukraine-Russia war, he said that unlike developed powers, India has managed to come out unscathed amid rising global inflation. India's standing on the global stage has grown in recent years. Mr. Modi has promised that India's stint as head of the grouping of 19 countries and the EU will be inclusive and action-oriented. India's Prime Minister has called on the Global South to come together to reshape the world order at a time of global crisis. देखो ये बात तो सिंगापुर की मीडिया भी कह रही है कि अब आने वाला समय इंडिया का होगा, पर भारत को काफी चीजों में इम्प्रूवमेंट और काम करना होगा। देखो अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीजों में भारत अभी काफी नीचे है, पर अब जैसे जैसे भारत इन सब चीजों में मजबूत हो रहा है ना, वैसे ही अब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले 4-5 सालों में भारत इकोनॉमी के मामले में जर्मनी, जापान को भी पीछे करके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और इसी तरह अगर भारत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 2045-47 तक भारत एक डेवलप देश बन जाएगा। और यही बात पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी कही है, जो कि एक फैक्ट है और इसको कोई नहीं झुठला सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या आने वाले समय में इंडिया का दबदबा पूरे दुनिया में बन पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।